दोस्तों, आज हम अम्ल और क्षारक के बीच में अंतर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है अम्ल। तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिय शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। उसके बाद में आता है क्षारक। तो क्षारक है वह स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें अम्ल या क्षारक पाया जाता है। पहले आता है सिरका। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आता है चींटी का डंक। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आता है संतरा, नींबू आदि, तो इनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आता है दही। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आता है पालक, तो उसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आता है आंवला, सीट्रस और फल, तो इनमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि, तो इनमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और कुछ क्षारक के बारे में है, तो सबसे पहले है चूने का पानी। तो चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। उसके बाद है खिड़की के साफ आदि साफ करने के लिए उपमार्जक, तो ये है इनमें अनोमियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। उसके बाद आता है साबुन। तो साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद आता है दूधिया मैग्नीशियम, या हम इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह सकते हैं, तो इनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।